जिला मारवाड़ी सम्मेलन का बोकारो जिला अधिवेशन बुधवार को होटल हंस रिजेंसी के सभागार बोकारो सेक्टर एक में संपन्न हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि झारखंड प्रांतीय मारवाड़ी सम्मेलन के नव निर्वाचित प्रांतीय अध्यक्ष बसंत मित्तल, विशिष्ट अतिथि के रूप में अनुमंडल पदाधिकारी दिलीप प्रताप सिंह शेखावत, बोकारो जिला मारवाड़ी सम्मेलन अध्यक्ष शिवहरि बंका, वरीय उपाध्यक्ष ओम प्रकाश अग्रवाल, दीपक गुप्ता, श्री कुमार मेहारिया के द्वारा दीप प्रज्वलित कर स्वर्गीय हीरालाल गुप्ता के चित्र पर पुष्प अर्पित कर कार्यक्रम की शुरुआत हुई। सभी ने अपने अपने विचारों को रखा। प्रांतीय अध्यक्ष बसंत मित्तल ने कहा कि संगठन से ज़्यादा लोगों को जोड़कर इसे मजबूत करने की ज़रूरत है और समाज में फैली कुरूतियों को दूर करने के लिए मैं संकल्पित हूँ। इस कार्यक्रम में अनिल गोयल, डॉक्टर रतन केजरीवाल, किशन रिटोलिया, सुभाष केजरीवाल, विकास अग्रवाल, ओम अग्रवाल, सुशील गर्ग, नरेश झंझ जोटर, रितेश लोधा, अमोल लच्छी, राम का राजेश पोदार, हनुमान पिलानिया, मनोज मानकासिया, अनूप अग्रवाल, अनूप सुधरानिया, पवन मित्तल, विनोद गर्ग, राकेश सिंघानिया, बेरमो शाखा, पेटरवाल शाखा, बोकारो इस्पात नगर शाखा, चास शाखा के सभी पदाधिकारियों एवं सदस्यों की भी उपस्थिति रही। मंच संचालन जिला मंत्री श्याम सुंदर जैन एवं धन्यवाद ज्ञापन सुभाष केजरीवाल के द्वारा किया गया। बोकारो से विजय आनंद की रिपोर्ट। सम्मेलन हुआ अधिवेशन, उसमें क्या मुख्य मुद्दा रहे, क्या बोकारो जिला मारवाड़ी सम्मेलन के द्वारा जो अधिवेशन दो साल की समाप्ति के बाद रखा गया, ये हमारे सत्र का अद्भुत और मील का पत्थर साबित होगा, क्योंकि एक तारीख को ही रिजल्ट आया है और पहला अधिवेशन जिला का बोकारो जिला ने किया। मुझे खुशी है कि आज मैं इस अधिवेशन में शामिल हूँ। इतनी बड़ी संख्या में बोकारो जिला और सभी शाखा के लोग और साथ ही धनबाद जिला के अध्यक्ष और धनबाद जिला अग्रवाल सम्मेलन के अध्यक्ष यहाँ उपस्थित हुए, ये अद्भुत दृश्य यहाँ प्रदर्शित हुआ है। मेरा मुख्य मानना है कि संगठन में शक्ति है और इस बार झारखंड प्रांत मारवाड़ी सम्मेलन कोयलांचल से संगठन के बिगुल को फूका है और अपनी आभार यात्रा का भी आरंभ बोकारो और धनबाद से किया है। निश्चित रूप से आने वाले समय में कोयलांचल, बोकारो, धनबाद और गिरिडीह पूरे झारखंड में एक इतिहास सम्मेलन है। आज यहाँ पे बोकारो जिला के द्विवार्षिक अधिवेशन में जो मारवाड़ी सम्मेलन के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है, उसके अंदर आके बहुत खुशी हुई और यहाँ के जितने हमारे मारवाड़ी सम्मेलन के जिलाध्यक्ष हैं, सचिव हैं, संरक्षक हैं और जो हमारे नवनिर्वाचित झारखंड राज्य मारवाड़ी सम्मेलन के जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने आकर इस सम्मेलन की गरिमा को बढ़ाया और हम लोगों ने यहाँ पे अपने विचारों का आदान प्रदान किया और कुल मिला के एक जो उद्देश्य मुझे लगता है कि हम लोग ऐसे संगठन के थ्रू देना चाहते हैं कि जो हमारे अंदर जो प्रिविलेज्ड क्लास से हम लोग आते हैं कि हमारे पास में शिक्षा है, हमारे पास में संसाधन है, तो अपने हिसाब से हम लोग समाज के जो वंचित वर्ग हैं, जो लोग पढ़ना चाहते हैं, जो लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, जिन लोगों के पास उचित संसाधन नहीं है, उन लोगों की हम लोग मदद करें और इस संगठन को और मजबूती दें ताकि इसका जो प्रचार है देश विदेश में अच्छी तरीके से हो, यही संदेश हम लोग यहाँ के दे रहे हैं। और पुनः मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे बोकारो जिला के अध्यक्ष, उन्होंने इन्वाइट किया, थैंक यू। दो साल का कोरोना का जो एक संताप और एक कष्टमय एरा के बाद एक सुखद अनुभूति है कि बोकारो जिला मारवाड़ी सम्मेलन का आयोजन आज हंस में किया जा रहा है और ये सम्मेलन की सार्थकता तभी है जब हम कुछ संदेश अपने समाज को दे सकें, अपने समाज के बाहर के लोगों को दे सकें, एक सेवा भाव लोगों में पैदा कर सकें और समाज के और अधिक से अधिक बंधुओं को जोड़ सकें। और मेरा ये विश्वास है और मुझे आज ये देखकर लगा जितना जनमानस यहाँ आया कि ये पूरी तरह से एक सफल आयोजन है और ये एक संदेश देगा आने वाले वर्षों में समाज को, झारखंड के लोगों को और चास वासियों को
कि मारवाड़ी समाज एक उन्नत समाज, एक समाजवादी समन्वय लेके चलता है और सबको जोड़ के चलता है। आए हुए सभी लगे रहेंगे।